और हरियाणा में कांग्रेस का ब्राह्मण समाज पर फोकस। रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बड़ा बयान। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। 2019 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो भी डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होता। ब्राह्मण समाज कांग्रेस का साथ दे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। रोहतक में ब्राह्मण समाज पर फोकस करते हुए और आने वाले वक्त में फिर से महसूस हो रहा है कि इसी तरह से जातियों के एतबार से सियासत गर्माती रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से भी होगा। अगर 19 में सरकार बनती तो तब भी हमारा कांग्रेस से डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ब्राह्मण समाज कांग्रेस का साथ दे, तुम मेरा सम्मान करो, मैं थारा सम्मान करूंगा। देवेंद्र दांगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से। देवेंद्र, ये जो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ, किस लेवल का सम्मेलन था? इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कितना मायने रखता है, हरियाणा की राजनीति के लिहाज से कितना मायने रखता है कि एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा 2024 में सरकार बनने पर? जी नासिर, देखिए ये कोई जो ब्राह्मण सम्मेलन जो आज रोहतक में हुआ है, इसके वाकई में अपने आप में कई राजनीतिक मायने रोहतक के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। क्योंकि पिछली दफा जब 2019 के इलेक्शन में हम अगर लौटते हैं, पीछे जाके देखते हैं, तो बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ से दिया था डॉक्टर अरविंद शर्मा, और ब्राह्मणों की एक तरफा वोट काफी हद तक शिफ्ट कर गए थे उस तरफ, और उसका डेंट जो पड़ा वो कांग्रेस कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा को भुगतना पड़ा था उसका परिणाम। अब की बार वो गलती नहीं दोहराना चाहते हुड्डा ग्रुप जो है, और इसीलिए आज ये ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया था। ये रोहतक संसदीय क्षेत्र के तहत जितने भी 8-9 जो हलके आते हैं, सभी के मौजूद जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो इसमें बुलाए गए थे। खासतौर से ये उनकी तरफ से सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें जो बादली से विधायक हैं कुलदीप शर्मा, वो इसके उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। इसका सीधा सा मैसेज देना यही था लोगों में कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद जो है वो हुड्डा के साथ है। ये मैसेज कन्वे करना एक बड़ी इसके पीछे कहेंगे कि बड़ी गहरी सोच जो है वो रही है, और उसी के ये प्रतिफल के रूप में इसे देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हुड्डा बिल्कुल अपनेपन के साथ जो है रूबरू हुए, सीधे कनेक्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। देवेंद्र, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, फिर हम वो बयान भी सुनाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत जल्दी, कि ऐसे वो कौन से नेता है, वो बयान भी हम सुनाएंगे, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे वो कौन से नेता है देवेंद्र जो कांग्रेस में इस कद के हैं कि जिनको डिप्टी सीएम अगर कांग्रेस की सरकार बनती है ब्राह्मण समाज के तो बनाया जा सकता है? देखिए कांग्रेस के अगर डिप्टी सीएम की बात है तो हालांकि अभी चुनाव काफी दूर है, नहीं ऐसे यहाँ जब चर्चा चलती है, अभी चर्चा निकलेंगी, इस पर नजर जाएगी कि कौन कौन से ब्राह्मण समाज के वो नेता जो कांग्रेस में इस कद के हैं। ऐसे ऐसे कई नाम हो सकते हैं, जिस ढंग से पिछले कुछ समय से जो बादली विधायक हैं, जिस ढंग से सक्रिय हैं, पूरे हरियाणा भर में जा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम के संदर्भ में बात करें तो सभी 9-10 हलकों में जो रोहतक सराउंडिंग एरिया में जो है, सभी जगह लगातार संपर्क चल रहा है, उनका जनसंपर्क किया है। इससे पहले कुलदीप शर्मा बड़ा नाम रहे हैं। ऐसे कई ब्राह्मण नेता है पार्टी में जो पुराने, कुलदीप शर्मा और मौजूदा जितेंद्र भारद्वाज भी है जो उपाध्यक्ष है कांग्रेस के फिलहाल कार्यकारी, तो वो सारी चीजें ठीक। मैं आता हूं, हम बयान सुनाते हैं अपने दर्शकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार पे सदा आशीर्वाद रहा है, और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है, और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में सीमित आएगा, पूरे हरियाणा से आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में हमारे साथ। नीरज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं, नमस्कार नीरज शर्मा जी। नमस्कार नीरज शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ऐलान किया है कि 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। किस तरह से देखते हैं, शायद आप भी पार्टी के लिए काफी मुखर होकर बोलते रहे हैं, तो हो सकता है आप भी उस लिस्ट में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो मौका मिल जाए ऐसा? देखिए साहब, सबसे पहले सरकार बने जी, कौन बनेगा नहीं बनेगा ये पार्टी का निर्णय है, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है हमारे समाज का व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा, बहुत अच्छी बात है। और ये आप और हम सब जानते हैं कि हुड्डा साहब जुबान के धनी आदमी, हुड्डा साहब जो भी जुबान करते हैं और वो उसको हमेशा निभाते हैं।
चाहे पेंशन की बात करें हम या फिर सरकार में उन्होंने बिजली बिल माफ की बात करी, तो मैं उड्डा साहब को विश्वास है और आज खाली ब्राह्मण समाज नहीं छत्तीस बिरादरी उड्डा साहब की तरफ देख रहे हैं, उड्डा साहब के कामों की तरफ देख रही है। अच्छा नीरज जी, ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ जहां बात होती है सबको साथ लेकर चलने की, सबके साथ की, वहां फिर इस तरह के जो बयान होते हैं जो राजनीतिक रूप से ये फिर जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं? नहीं देखिए साहब, इसमें बढ़ावे वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हर समाज चाहता है कि उसके समाज का व्यक्ति अच्छे से अच्छी जगह पहुंचे, बड़े से बड़ी जगह पहुंचे और एक समाज की भावनाओं को मान सम्मान देते हुए उद्धव साहब ने वादा किया, मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती है नहीं। फिर इससे दूसरे समाजों की भी उम्मीद बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से भी फिर कुछ बयान आने वाले वक्त में हो सकता है कि दे दिया जाए। अब ये तो साहब इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता जी, ये तो उदा साहब ही बता पाएंगे। और जिसका जितना हक मान सम्मान है सभी समाजों को मिलना चाहिए साहब, उसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ आ जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी? ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ है भाई, टोटल अच्छा। 5 MLA हैं हम, ये है कि अभी थोड़ा बिखरा हुआ है, 2 भाजपा से हैं, 2 कांग्रेस से हैं और 1 जजपा से है। और सबसे बड़ी बात जो ब्राह्मण समाज हुड्डा साहब की तरफ देख रहा है, एक EBBG का मुद्दा था, उसमें खाली ब्राह्मण नहीं और भी कई जातियां थी गरीबों की, उनका हक ही सरकार ने छीन लिया। और हुड्डा साहब अपने टाइम में डोलीदार बोंडीदार जो सेवा के बदले जमीन थी, इन सबों को मालकाना हक देके गए थे, 10 साल से ही सरकार ने उस हक को वापस छीन लिया, उनको वंचित कर लिया। तो ब्राह्मण समाज में और बाकी सब समाजों में पीड़ा है, जिनको वो जमीन उड़ा था देके गए थे, जो 100-200-300-300 सालों से उनके पूर्वज उठते आ रहे थे। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज अब की बार एकजुट होके और उड़ा साहब के पक्ष में। शुक्रिया नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्राह्मण समाज कांग्रेस का साथ दे, तुम मेरा साथ दो मैं थारा साथ दूंगा, तुम मेरा सम्मान करो मैं थारा सम्मान करूंगा। रोहतक में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 1 डिप्टी CM ब्राह्मण समाज से होगा। यानी अब एक तरीके से ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनती है किसकी सरकार नहीं बनती है। लेकिन क्या कुछ कह रहे थे वो पेंशन गुड्डा, वो आप सुनिए। डिमांड्स भी रखी गई हैं उनको लेकर के, क्या नहीं, जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोली जिंदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। तो इस तरह के बयानों के मायने जाहिर सी बात है कि राजनीति में बहुत सारे निकाले जाते हैं, हर पार्टी की तरफ से अपनी अपनी बातें कही जाती हैं। और एक ऐसे वक्त में जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं, जब जातिगत जनगणना को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति को कितना गर्माता है।